टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं CBC रिपोर्ट यानी कंट्री बाई कंट्री रिपोर्ट की। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नए नियम अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के तहत संयुक्त आयकर निदेशक रिस्क असेसमेंट 1 को आयकर प्राधिकरण निर्दिष्ट किया गया है। इसके समक्ष अब बहुराष्ट्रीय उद्यमों यानी मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस को अपने वास्तविक लाभ की एक रिपोर्ट CBC प्रस्तुत करनी होगी। आइए अब देखते हैं कि CBC रिपोर्ट क्या है। यह रिपोर्ट बहुराष्ट्रीय उद्यमों के राजस्व, आयकर भुगतान, रोजगार, पूंजी, रिटेन्ड अर्निंग्स और वास्तविक परिसंपत्तियों आदि से संबंधित एक वार्षिक रिटर्न है। इसमें अलग अलग देशों एवं क्षेत्रों के आधार पर MNEs के वित्तीय विवरणों के प्रमुख अवयवों का विस्तृत ब्यौरा होता है। इस रिपोर्ट का उपयोग आयकर अधिकारियों द्वारा राजस्व जोखिम मूल्यांकन के लिए पुष्टिकरण सामग्री के रूप में किया जाता है। कुछ अन्य मुख्य बातों पर नजर डालते हैं। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD द्वारा विकसित किया गया है बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन प्लान 13। इसके तहत सभी MNEs को CBC रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है। बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग यानी BEPS का उद्देश्य MNEs द्वारा अर्जित किए गए लाभों का क्षेत्र और देशवार विवरण सुनिश्चित करना है। कर चोरी एवं लाभ हस्तांतरण को रोकने के लिए BEPS प्रोजेक्ट लाया गया, जिसमें शामिल 15 एक्शन प्लान में 13वां एक्शन प्लान CBC रिपोर्ट है। OECD एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सहयोग करता है। वर्तमान में OECD के 36 सदस्य देश हैं। भारत OECD का सदस्य देश नहीं है, लेकिन की पार्टनर है। OECD ज्वाइन करने वाला नया देश लिथुआनिया है, जो जुलाई 2018 में शामिल हुआ था। OECD के सदस्य देश और प्रमुख भागीदार मिलकर विश्व व्यापार और निवेश के लगभग 80% का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए अब देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, CBC रिपोर्ट MSMEs से संबंधित है। दूसरा, OECD के वर्तमान में 36 सदस्य देश हैं। तीसरा, भारत OECD के सदस्य देशों में शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं? विकल्प हैं 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।